नेकलेस के साथ। धन्यवाद, गिरते गिरते बचा। What's up guys and welcome back to the channel, this is Indie Explorer। तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं कॉलेज से एक एजुकेशनल ट्रिप पे, जो कि हम लोग पाताल पानी जाने वाले हैं। तो फिलहाल मैं बस में बैठ रहा हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अपन लोग बस में बैठ चुके हैं। अभी हमारे साथ हमारे पंडित जी हैं फेमस, और अभी हमारे सारे भाई लोग बैठे हुए हैं उधर आगे की साइड। आप लोग सबसे मिल लीजिए। तो दोस्तों आज हमारी पूरी क्लास जाने वाली है एक एजुकेशनल ट्रिप पे, जो कि पाताल पानी हमारी लोकेशन डिसाइड हुई है। ये ट्रिप हमें कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, और इस ट्रिप में हम लोग रेलवे लाइन सर्वे को स्टडी करेंगे, और एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो कि एक मेरी फाइल रिपोर्ट में काम आएगी। और पूरी क्लास के बच्चे जा रहे हैं, टीचर्स भी हैं, फैकल्टीज भी हैं। तो अपन लोग चलते हैं, घूमेंगे और मस्ती करेंगे वहाँ पे, इंजॉय भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद लोकेशन पे पहुँचने के बाद। तो भाई लोग सीन ऐसा है कि अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी पहली लोकेशन, जो कि है पाताल पानी वाटरफॉल। यहाँ पे हम लोग आज रेलवे लाइंस की स्टडी करने वाले हैं, और वहाँ पे कैनाल्स भी देखेंगे हम लोग, थोड़ी टनल्स भी देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ट्रिप अचानक से प्लान हुई। कल मैं कॉलेज में एबसेंट था, मुझे पता नहीं था कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था। तो दोस्तों अभी हम लोग बस में से थोड़ा सामान निकाल रहे हैं, मतलब हमारे लंच बॉक्सेस हैं मेरे फ्रेंड्स के, मेरा बैग तो मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, और जब तक हम लोग अंदर जाके थोड़ी स्टडी करते हैं, आप लोग कुछ सिनेमैटिक देखिए, और उसके बाद अपन लोग बात करते हैं, थोड़ा मस्ती भी करेंगे यहाँ पे, पढ़ाई भी करेंगे। और मुझे एक रिपोर्ट भी तैयार करनी थी, जो कि अपनी एक रिपोर्ट है वो हम लोगों को सबमिट करनी पड़ती है। जिन जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं बता देना चाहूँगा कि मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है सिविल डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं, आप लोग जब तक सिनेमैटिक देखिए। तो गाइस फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अंदर आने के लिए 10 रुपीज़ टिकट चार्जेस अभी कर दिए गए हैं, जो कि इसकी साफ़ सफाई, एरिया की साफ़ सफाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों को ट्रेन का साउंड सुनाई दे रहा होगा, अभी हम लोग रेलवे लाइंस की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल का सीन ऐसा है कि अभी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं, सर सब कुछ समझा रहे हैं कि कैसे क्या होता है, रेलवे लाइंस को कैसे सेटअप किया जाता है। जिन जिन को नहीं पता मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ जो कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, और अभी हमें कॉलेज की तरफ से एक टूर पर लाया गया है, ये मैंने पहले बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों अभी आगे का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग सब यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं, और घूमने के बाद फिर स्टडी भी चल रही है साथ में, उसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ इंजॉय करेंगे, लंच करेंगे। लंच करने के बाद सीन ऐसा है कि हम लोग 3 बजे तक कॉलेज वापस पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां से सब अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे, जो कि हम कॉलेज बस से जाते हैं। तो फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि अभी हम लोगों को टनल की स्टडी करवाने के लिए आगे ले जाया जा रहा है, तो अभी हम लोग खाली रेल्स पे चल के हम लोग जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं और फिर टनल्स को भी देखते हैं। और तो गाइस फिलहाल का सीन ऐसा है, हम लोग टनल में ट्रैवल कर रहे हैं सब लोग स्टडी करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। अभी हम लोग टनल के अंदर हैं, यहाँ स्टडी की जा रही है कि टनल को कैसे बनाया जाता है, कैसे ब्लास्टिंग की जाती है, और कैसे ड्रिलिंग करके यहाँ पे टनल क्रिएट की जाती है। Oh,
भाई ट्रैक पर चलना कानूनी अपराध है। गाइस फाइनली अपन लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं, टाइम खत्म हो चुका है और कॉलेज लीव करने का भी टाइम आ चुका है, तो 6 बजे हम लोग घर जाते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो और एक नई प्लेस के साथ। धन्यवाद। गिरते गिरते बचा एक बात, और आपको वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।